मोरक्को शनिवार सुबह जबरदस्त भूकंप के झटकों से हिल उठा। यह देश के इतिहास में अब तक सबसे तेज भूकंप रहा। भूकंप की वजह से 600 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मोरक्को में आए भूकंप से ऐतिहासिक शहर माराकेश भी प्रभावित हुआ। यहां पर कई ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचा है। पश्चिमी अफ्रीका में मौजूद इस देश में आए भूकंप की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। आइए मोरक्को में आए भूकंप से जुड़े अब तक अपडेट जानते हैं। बता दें कि मोरक्को में आए भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.8 रही। इसे शक्तिशाली भूकंप की कैटेगरी में रखा जाता है। भूकंप के झटकों के 19 मिनट बाद 4.9 तीव्रता का एक और भूकंप आया, जिसकी वजह से और भी ज्यादा तबाही मची। मोरक्को के गृह मंत्रालय ने बताया कि अब तक भूकंप की चपेट में आकर 632 लोगों ने जान गंवाई है। घायलों की संख्या 329 बताई गई है। इस बात की डर बना हुआ है कि भूकंप के हताहतों की संख्या बढ़ भी सकती है। भूकंप की वजह से माराकेश शहर बुरी तरह से प्रभावित हुआ। यहां बिजली गुल हो चुकी है। भूकंप का असर इंटरनेट सेवाओं पर भी दिखा है। बिजली गुल होने से नेटवर्क टावर बंद हो गए, जिससे इंटरनेट बाधित हुआ है। पुर्तगाल के इंस्टीट्यूट फॉर सी एंड एटमॉस्फेयर और अल्जीरिया के एटमॉस्फेयर एंड सिविल डिफेंस एजेंसी ने बताया कि भूकंप के झटके इतने ज्यादा तेज थे कि उन्हें पुर्तगाल और अल्जीरिया तक महसूस किया गया। इन सब के बीच देश के नाम को लेकर राजनीति काफी गरमाई हुई है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को G20 शिखर सम्मेलन में अपना उद्घाटन भाषण दिया। उसमें पीएम के सीट पर भारत देश टैग लगा हुआ है। दरअसल जहां एक और देश का नाम इंडिया को भारत करने का विवाद है, इसी बीच यह तस्वीर सामने आई है। अपने उद्घाटन भाषण में पीएम मोदी ने विश्व नेताओं का स्वागत किया और मोरक्को में आए भूकंप पर भी दुख व्यक्त किया है। इसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह नाम बदलने का प्रयास है, क्योंकि उनके गठबंधन के नाम में इंडिया लिखा हुआ है। कार्रवाई शुरू करने से पहले हम सभी की ओर से कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं।